वेलकम टू जेके टॉपर्स अकेडमी। सो जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पर कि जेएनके में ग्रामीण जो है बैंक की यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, कब से अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए ताकि डेली की अपडेट जो है आपको इस चैनल पर मिल सके, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें जैसे कि आज JKPSI की यहाँ पर कोर्ट हियरिंग है, जो बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे, तो देखते हैं आज कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। उससे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इस चैनल पर अपडेट मिल सके। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर इन्होंने जो पोस्टें निकाली गई हैं, आपको अप्लाई कब से करना है, 1 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हो चुके हैं 1 जून से, ठीक है। और यहाँ देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, हाउ एवर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर कैडरे, दैट इज फॉर द ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 या फिर स्केल 3। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से रहेगा, ऑल इंडिया से कोई भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एज यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए एज यहाँ पर दी गई है। अगर सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है तो 21 से 40 तक आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। मैनेजर के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो 21 से 32 यहाँ पर जो है इनकी एज यहाँ पर दी गई है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 और मल्टीपर्पज़ के लिए 18 से 28 तक जो है यहाँ पर एज दी गई है। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहते हैं हम आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप करके दें, तो आप 8082874110 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म जो है यहाँ पर फिलअप करके आपको दे देंगे। और आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जाएगी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। SC ST वालों को 5 साल की है, OBC वालों को 3 साल की है, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को 10 साल की यहाँ पर छूट दी जाती है और एक्स सर्विस मैन को जो है यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाती है, ठीक है। ये आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, PDF ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कोई भी क्यूरीज है आपकी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि आपको जो है इस फॉर्म की जो है लास्ट डेट कब रहने वाली है, ठीक है। लास्ट डेट जो है इसकी यहाँ पर, एक सेकंड हम आपको यहाँ पर बता देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा PDF है ये देख लीजिएगा। जो हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो BA आपकी पास होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने BA किया है तो भी आप एलिजिबल हो। BSc किया है या फिर BCom किया है या फिर BEd किया है, कोई भी डिग्री है आपके पास तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, ठीक है, ये फॉर्म आप भर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर की बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए आपके पास भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इन सब में आपकी एक डिग्री होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज आपकी यहाँ पर कंप्यूटर की मांगी गई है। बैंकिंग मैनेजर के लिए भी आपकी यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और बात की जाए अगर स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक, यहाँ पर भी आपकी जो है इन्होंने डिग्री मांगी है विद अ मिनिमम 50% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीनियर मैनेजर के लिए भी यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट हम बात कर लें अगर कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 है, ओनली 175 चार्जेस करने हैं। और अगर आप जो है यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर ऑल अदर, तो बाकी वालों को जो है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 850 यहाँ पर चार्जेस करने हैं स्केल 1, 2, 3 के लिए। ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी सेम एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल किया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है 80 मार्क्स का टोटल, जिसमें आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, रीजनिंग, न्यूमेरिकली एबिलिटी, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस है, ये आपका सिलेबस रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए ये सिलेबस रहेगा जो कि 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये आप सारा यहाँ पर देख सकते हैं, PDF आपको अच्छे से रीड करने को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर बात की जाए तो आपको जो है लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो टेस्ट किस जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में आप यहाँ पर अपना जो है एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
ये रहेगा आपका सिंगल लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ये अच्छे से पीडीएफ रीड कर लीजिएगा, फिलहाल ये काफ़ी लंबा पीडीएफ है। और फिर आपका मेन होगा, मेन के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे, मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।